हेलो फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2021 के लिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी फॉर्म भर रहे होंगे या फॉर्म भर दिए होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर 2018 के क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था। उसमें से जो 25 क्वेश्चन जीके या जनरल अवेयरनेस के आते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन के साथ में बताया था, यानी कि आप लोग पार्ट वन को देख सकते हैं जाकर के पिछले वीडियो में। हम लोग आज दूसरा जो भाग है इसका 25 क्वेश्चन वाला, इसको देखेंगे। और ये जो डेट है 12 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, तो इसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन के साथ में देखेंगे। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो यह है, तो इसका जो उत्तर है वह है क्लोनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। पहला है स्कैनिंग, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण और क्लोनिंग। तो इसमें इसका उत्तर है क्लोनिंग। तो क्लोन करके हम लोग अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति या समान जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अदर ऑप्शन से उसको बात करते हैं तो स्कैनिंग क्या होता है, तो स्कैनिंग जो होता है वह सूक्ष्म जीवों को हम लोग बड़ा करके यानी स्कैन करके देखते हैं, तो यह होता है हमारा स्कैनिंग। प्रजनन जो होता है रिप्रोडक्शन, वह होता है कि कोई भी सजीव जो है वह अपने ही जैसे दूसरे जीवों को जन्म देता है, अपने ही जैसे वह अपने बच्चों को जन्म देता है, तो ये होता है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। प्रकाश संश्लेषण जो है वह पेड़ पौधों से रिलेटेड है, और पेड़ पौधे इसमें क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यह होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और ये जो क्लोनिंग है उसके बारे में आप लोगों को पता चले क्या, अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पन्न किए जा सकते हैं इसमें, तो इसका उत्तर हो गया क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का आण्विक सूत्र क्या है, यह है दूसरे नंबर क्वेश्चन। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, सोना यानी कि जो हम लोग पहनते हैं वही सोना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है जी, ए यू, ए एल और ए जी, ये चार ऑप्शन है। तो इसका जो उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए यू, ये आपको याद रखना है। और ये जो ए यू है यह लैटिन नाम से ही आया है, जिसमें से इसको कहते हैं हम लोग आरम, ए यू आर यू एम, यह होता है इसका नाम। तो ए यू से हमारा लिया गया है ये अरम, यानी कि सोना का आण्विक सूत्र हो गया है ए यू, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो जी है वह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ए एल से होता है हमारा अलूमिनियम का होता है ए एल, ये भी आपको याद रखना है। और ए जी, ये ए जी जो है वह होता है सिल्वर का, और इसको हम लोग लैटिन भाषा में कहते हैं अर्जेंटम, तो इसी अर्जेंटम से ही ये ए जी आया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ए यू, ये है स्वर्ण यानी कि सोने का, गोल्ड का आण्विक सूत्र, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो ब्लैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, यह है क्वेश्चन। ऑप्शन भी दिए हैं, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला कार्यक्रम या योजना, गरीब विरोधी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसका जो उत्तर है सही उत्तर, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, यानी कि अपने से ही रोजगार पैदा करके अपना जो है जीविका चलाना है, यह है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये नाम से ही पता चल रहा है। इसके अलावा ये जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके द्वारा गैस प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार की ओर से, फिर गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम, फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से ग्रामों का विकास करने के लिए जो योजना चलाया गया था हुआ है। तो इस तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर और हरि पर्वत ग्लेशियर, ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो उत्तर है यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, उसका उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। और यह जो सियाचिन ग्लेशियर है वह पाकिस्तान, भारत और चीन के साथ सीमा लगी हुई है इसका, इस जगह पर है यह सियाचिन ग्लेशियर। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग और बात करते हैं तो यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर यह सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अदर ऑप्शंस की डिस्कस करते हैं तो गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड राज्य में है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत है, ये भी हम लोगों को गंगोत्री ग्लेशियर से पता चलता है। तीसरा है नुब्रा ग्लेशियर, तो यह जो है वह भारत के लद्दाख क्षेत्र में ही यह स्थित है नुब्रा ग्लेशियर।
हरी पर्वत ग्लेशियर जो है वह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में स्थित है यह ग्लेशियर, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर भारत पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं, यानी कि यह पाक अधिकृत कश्मीर के साथ में लगभग लगभग यह मिला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, यह वेरी आई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यह है यानी कि व्यक्ति और उपनाम, ये आपको याद रखना है। तो भारत का लौह पुरुष आयरन मैन यह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है आपका मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो उत्तर है वह है हमारा वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हीं को कहा जाता है लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन। अदर ऑप्शन में बात करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है उसको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, इसका उपनाम भी है। जवाहरलाल नेहरू जिसको हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक इसी को हम लोग जानते हैं लोकमान्य, यानी लोकमान्य इन्हीं को कहा जाता है, और वल्लभ भाई पटेल जो हो गए वे हमारे लौह पुरुष, इसका उत्तर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये चुनाव आयोग होते हैं भारत में, उसका जो प्रमुख जो होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति, यह है क्वेश्चन। और इसका जो उत्तर है वह है भारत के राष्ट्रपति, तो इन्हीं के द्वारा चुनाव आयोग का प्रमुख का नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 25 जनवरी 1950 को, ये आपको डेट याद रखना है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों जो चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, इसमें से जो भी पहले आ जाएगा उसी के अनुसार से उसकी रिटायरमेंट होती है। लेकिन अगर देखते हैं तो ये 6 वर्ष या 65 साल की अवधि के लिए ही इनकी चुनाव या नियुक्ति होता है। अभी अगर बात करते हैं चुनाव आयोग का प्रमुख कौन है, तो वह है हमारे सुनील अरोड़ा, यह सुनील अरोड़ा अभी प्रमुख चुनाव आयोग हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो नियुक्ति करते हैं वे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, 1948 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? यह क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है 1948 ओलंपिक का बात कर रहा है, तो यह राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है किशन लाल, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह और आकाशदीप सिंह, यह ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। यह जो 1948 ओलंपिक हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लंदन में, यह आपको याद रखना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है किशन लाल, ये किशन लाल थे उस समय के हॉकी टीम के कप्तान। और ये जो है इसमें इंडियन टीम जो है वह इंग्लैंड को हरा करके यह स्वर्ण पदक जीती थी। दोस्तों यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद में पहली बार जीता था यह, इससे पहले भारत इंग्लैंड के नाम से यानी कि ब्रिटिश की ओर से ही खेलता था, लेकिन 1948 ओलंपिक स्वतंत्र रूप से यह पूरी तरीके से भारतवर्ष के नाम से खेला गया था। तो उस समय जो हॉकी टीम के कप्तान थे वह किशन लाल थे, ये आपको याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? ये जो चुनाव आयोग होते हैं उनके कौन से निम्न में से करते भी नहीं होते? प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन, चुनाव का निरीक्षण और स्थानीय चुनाव ना करना। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह है स्थानीय चुनाव का ना करना, ये स्थानीय रूप से चुनाव नहीं करते हैं, यह स्थान या चुनाव का जो भी करना होता है काम वह राज्य सरकार की ओर से ही किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये चुनाव आयोग का मुख्य या महत्वपूर्ण कर्तव्य में से नहीं है, बाद बाकी ये सब तीनों हैं वह इनके मुख्य कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई खालिस्तान में की जाती है, यानी कि कौन से महीने में की जाती है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है अप्रैल, मई, मई, जून, जनवरी, फरवरी और अक्टूबर, नवंबर, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो रबी फसल की जो बुआई कौन से महीने में की जाती है, इसका जो राइट आंसर है यानी कि सही उत्तर है यह है अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों रबी फसल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है हमारा फसल में गेहूँ, जौ, चना ये सब आते हैं, और इसके लिए इसका जो कटाई होता है वह होता है फरवरी मार्च में, इसका कटाई होता है फरवरी मार्च में कटाई होता है, ये आपको याद रखना है।
रबी फसल की जो होते हैं बुआई होती है वह अक्टूबर नवंबर में होती है। दोस्तों रबी फसल की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे खरीफ फसल की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो खरीफ फसल होते हैं उसको जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में। और इसकी जो फसल होती है उसको हम जानते हैं मक्का, बाजरा और धान, ये होते हैं खरीफ फसल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है रबी फसल के बारे में बात कर रहा है, तो यह उसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दसवां है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो ये जो है शंकर इंटरनेशनल गुड़िया संग्रहालय जो है वह कहाँ है? ऑप्शन दिया नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता, ये चार ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो उत्तर है वह है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो नई दिल्ली है वह भारत की राजधानी भी है, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। पुणे और मुंबई जो है वह महाराष्ट्र के प्रमुख शहर हैं, और मुंबई तो है महाराष्ट्र की राजधानी भी, और कोलकाता जो है वह है हमारा पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो ये याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, तो यह है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख शहनाई वादक हैं, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है इसमें से कौन है। तो भारत का मशहूर शहनाई वादक कौन है? ऑप्शन है आपका बिस्मिल्ला खान, रविशंकर, हरिप्रसाद और लतीफ़ खान। इसका जो उत्तर है वह है बिस्मिल्ला खान, जो कि बहुत सारे चर्चे में रहते हैं, शहनाई वादक भी हैं, तो यह इसका राइट आंसर है बिस्मिल्ला खान। अदर डिस्कस करते हैं ऑप्शंस की, तो रविशंकर जो है वह सितार के हैं, ये सितार बजाते हैं। हरिप्रसाद जो हैं वह बांसुरी के प्रसिद्ध हैं, और लतीफ़ खान जो है वह तबला के लिए प्रसिद्ध है, ये तबला के लिए। तो आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का मशहूर शहनाई वादक कौन है, तो ये है बिस्मिल्ला खान, ये आप याद रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? ये जो प्लासी का युद्ध है वह कौन से वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन है 1757, 1857, 1900 और 1957, ये आपको ऑप्शन दिए गए। तो प्लासी का जो फेमस युद्ध हुआ था वह है 1757 यानी कि 1757 में, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह तो अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, यानी बंगाल के शासक के बीच में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल के एक मुर्शिदाबाद जिला है, तो मुर्शिदाबाद जिला में ही यह प्लासी, तो वहीं पर यह युद्ध हुआ था। अदर डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो 1857 जो है वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है, और ये जो 1900 है यह भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, क्योंकि उलगुलान इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, भगवान बिरसा के द्वारा, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1900 में हुई थी, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 याद रखना है। दोस्तों ये जो प्लासी का युद्ध है कौन से वर्ष लड़ा गया था, तो ये 1757, ये ऑप्शन नंबर ए में है। अगर पूरे डेट की बात करते हैं तो वह डेट था हमारा 23 जून 1757, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर वाला, खालिस्तान 2018 में 90वें यानी 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। ऑस्कर अवार्ड के लिए मतलब 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए 2018 में जो हुआ था उसके लिए नॉमिनेशन के लिए एक भारतीय फिल्म भेजी गई थी, राजी, संजू, जीरो, न्यूटन, ये चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ से कौन सा फिल्म है जिसको नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है न्यूटन, तो न्यूटन फिल्म को भेजा गया था भारतीय फिल्म की ओर से। और यह जो हुआ था अमेरिका में ये ऑस्कर अवार्ड का घोषणा हुआ था, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो यह था द शेप ऑफ वाटर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये जो न्यूटन फिल्म की बात करते हैं तो न्यूटन फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग है, यानी राजकुमार राव के द्वारा यह एक्टिंग किया गया है न्यूटन, तो यह भेजा गया था भारत की ओर से। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 14th नंबर क्वेश्चन है बेसिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट कौन थी, यानी कि ग्लोबल कोई भी प्रतियोगिता हुआ है पूरे विश्व में तो वहाँ पर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट कौन थी? ऑप्शन है आपका दीपा कर्मकार, साक्षी मलिक, सीमा पुनिया और हिमा दास, ये चार ऑप्शंस में आज से आपको सही करना है। तो इसमें जो भारतीय जिमनास्ट हैं फेमस हैं उनका नाम है दीपा कर्मकार, तो इन्होंने ही बेसिक प्रतियोगिता में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीती थी, तो ये दीपा कर्मकार इसका राइट आंसर है। इनका जन्म जो हुआ है वह त्रिपुरा में हुआ है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, ये आपको याद रखना है।
इसको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये जो साक्षी मलिक हैं वे पहलवान हैं, यानी कि कुश्ती के खेल में इनको जाना जाता है। सीमा पुनिया जो है वह डिस्कस थ्रोअर हैं, डिस्कस थ्रोअर इस खेल से संबंधित हैं। और हीमा दास जो है वह एथलीट हैं, एथलीट हैं, और इसी को हम लोग ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे कहा जाता है, तो हीमा दास को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने वाली वैश्विक प्रतियोगिता में जो जिमनास्ट की बात करें तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दीपा कर्मकार, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, खाली स्थान पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। ऑप्शन दिया हुआ क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम और फुलन, चार ऑप्शन दिए हैं। जल परिवहन के रूप में पौधों में कौन कार्य करता है, तो इसका जो उत्तर है वह है हमारा जाइलम। जाइलम जो है वह जल परिवहन कार्य करता है, जड़ के द्वारा, जड़ों से ये खनिज लवण और जल को ग्रहण करने के बाद में पौधे के सारे भागों में पहुंचाता है ये जाइलम। और फ्लोएम जो है वह करता है कि पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है उसको पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है ये फ्लोएम। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी को हम लोग हरित लवक भी कहते हैं, और इसका काम क्या है, तो यह करता है प्रकाश को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है यह क्लोरोप्लास्ट। और ये जो सिराएं होती हैं वे ब्लड सर्कुलेशन जो कि ह्यूमंस में होते हैं ब्लड सर्कुलेशन, उसमें ये सिराएं काम करती हैं। तो ऑप्शन जो है सी नंबर जाइलम, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो सत्तारूढ़ दल होते हैं यानी कि केंद्र सरकार जो होती है लोकतंत्र में, जो भी सत्ता चला रही है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन दिया न्यायपालिका, विपक्ष, इसके नेताओं के प्रति और लोगों के प्रति। तो इसका जो उत्तर हुआ लोगों के प्रति, यानी कि जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उसका जो उत्तरदायी बनता है वे लोगों के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ना कि न्यायपालिका, विपक्ष और इसके नेताओं के। ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, जो लोगों के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुने गए होते हैं, इसीलिए ये लोगों के लिए ही काम करते हैं, तो लोगों के प्रति ही ये सत्तारूढ़ दल उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, पुस्तक द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है। फेमस किताब है जो हाल फिलहाल में चर्चे में रहा था, द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपको देख सकते हैं यहाँ पे, अशोक गहलोत, शशि थरूर, ज्योतिराज सिंधिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जो है शशि थरूर, इनके द्वारा ही द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर बुक लिखा गया है, ये आपको याद रखना, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। इसमें से जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ये पूर्व प्रधानमंत्री भी भारत के रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर की जो बुक है वह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक और बुक है और वह बुक है द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, यह भी एक बुक, और यह लिखा गया था संजय बारू के द्वारा, यह संजय बारू, ये भी नाम याद रखना है क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते नाम है। तो द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वह होता है शशि थरूर, और जो दो एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वह होता है हमारा संजय बारू के द्वारा लिखा गया होता है, वो भी एक नया बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है। यह इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया या ज्योग्राफी से पूछा गया, तो हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन दिया हिमाद्री, पीर पंजाल, कैलाश और शिवालिक, यह है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वह है शिवालिक, इसी को हम लोग सबसे भारी श्रृंखला कहते हैं। इसको समझते हैं सबसे पहले, तो मैप के थ्रू से थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। मान लेते हैं यह कि भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है, हिमालय की श्रेणियां सब इस वाले भाग में इस प्रकार से, ये आप लोग जानते ही होंगे। इसको अगर हम सर्कल की ओर से बनाएं कुछ, तो इस प्रकार के सर्कल बनेंगे ये, और इसका जो केंद्र बिंदु है वह इधर वाले में होगा क्योंकि ये सर्कल बनता है तो सेंटर इधर होगा। तो ये जो है सेंटर हुआ तिब्बत की ओर से, जब हम लोग तिब्बत की ओर से देखते हैं तो सबसे बाहर वाला हिस्सा कौन सा होगा, सबसे बाहर वाला हिस्सा ये हो गया, इसी कारण से इसको सबसे बाहरी श्रृंखला कहा जाता है। और जो सबसे बाहरी वाला श्रृंखला है उसी का नाम है हम लोग का शिवालिक। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा शिवालिक। और जो सबसे ऊपर वाला यानी कि जो सबसे पहले वाला जो भाग है वह होता है हमारा हिमाद्री, वह होता है हमारा हिमाद्री, और इसी को हम लोग कहते हैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, ये होता है
जो सबसे भारी होता है वह होता है शिवालिक, क्योंकि हम लोग तिब्बत की ओर से देखते हैं। तब अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो कैलाश है वह हमारा महान हिमालय का ही भाग है, और पीरपंजाल जो कि है वह जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरीज में, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो हिमाद्री है उसी में संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है माउंट एवरेस्ट, तो ये आपका हिमाद्री में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बाहर से निकला कौन है, तो वह है शिवालिक जो कि सबसे नीचे की ओर है, यानी कि आप अगर भारत की ओर से देखेंगे तो सबसे पहले में जो मिलता है वह होता है शिवालिक, और सबसे बाद में जो मिलता है वह होता है हमारा हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, ये आपको साइंस से पूछा गया है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, कौन सा है इसमें से जो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है मूत्रवाहिनी, ब्रोंकाई, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यह है। इसमें ऑप्शन देख के ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा सब मूत्र से ही रिलेटेड है, यहाँ पे मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रमार्ग, ये तीनों तो मिलते जुलते नाम है मूत्र प्रणाली से ही, लेकिन ये जो ब्रोंकाई है यही है इसका राइट आंसर, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तीनों मिल रहे हैं लेकिन ब्रोंकाई नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो ब्रोंकाई है वो कहाँ पाया जाता है, किसका हिस्सा है, तो यह है श्वसन तंत्र का, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम का यह भाग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है, जो कि हिस्सा नहीं है मूत्र प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर का, भारतीय संगीतकार खालिस्तान ने अकादमी पुरस्कार जीता है, यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीता है कौन इसमें से, सोनू निगम, आर डी बर्मन, ए आर रहमान और अनु मलिक, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए आर रहमान, तो ए आर रहमान के द्वारा ऑस्कर अवार्ड जीता गया है। सोनू निगम जो है वह एक अभिनेता और साथ ही साथ में गायक भी हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, साथ ही आर डी बर्मन भी एक संगीतकार रह चुके हैं और अनु मलिक भी एक फेमस संगीतकार हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर रहमान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होते हुए क्या कहलाते हैं, जीवन होता है, ये कह रहा है जीवन होता है किसका, तो जीव संसाधनों का जीवन होता है। अजैविक संसाधन कौन होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी कि निर्जीव कह सकते हैं या जीवन नहीं होता है। और नवीकरण संसाधन कौन होते हैं, तो इसको हम लोग बार बार उपयोग भी कर सकते हैं और इसको बार बार हम लोग यूज भी कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और संभावित संसाधन कौन होते हैं, तो ये संभावित है ये, लेकिन इसका यूज अभी हम लोग नहीं करते हैं, इसको हम लोग इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, ये संभावित या संभावित संसाधन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा जीव संसाधन, उसमें से मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, पशुधन, मत्स्य, ये सब सारे जीव मंडल में पाए जाने वाले संसाधन हैं, तो ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है, यानी कि डिजिटल के थ्रू में लेन देन इनमें से कौन सा नहीं है, पेटीएम, नगद लेन देन, क्रेडिट कार्ड लेन देन और एटीएम लेन देन। तो ये एटीएम लेन देन ये आपको पता ही है, एटीएम से आप लोग पैसा निकालते हैं, तो ये डिजिटल के माध्यम से करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से भी करते हैं, ये भी डिजिटल है। पेटीएम जो है बहुत सारे यूजर्स के पास में पेटीएम रहता ही है, जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, लेकिन ये जो है नगद लेन देन यह डिजिटल पेमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग नगद पैसे देते हैं और पैसे लेते हैं, तो यह नगद लेन देन जो है वह डिजिटल लेन देन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। 23 क्वेश्चन जो है, सौरमंडल की खोज किसने की थी, यानी कि सोलर सिस्टम जो है उसका खोज किसने किया था। ऑप्शन दिया कोपरनिकस, मर्फी, न्यूटन और वास्को डी गामा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर है सही वह है कोपरनिकस, इन्होंने ही सौरमंडल की खोज की थी, यानी कि सौरमंडल की खोज की थी, और इन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी जो है वह अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है यह पृथ्वी, यह कहा था कोपरनिकस ने। अदर ऑप्शन में देखते हैं तो ये जो मर्फी है वह एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, न्यूटन जो है वह भी फेमस भौतिक विज्ञानी कह सकते हैं इसको, और इन्होंने ही गति यानी कि मोशंस के जो नियम थे, तीन नियम वो दिए थे इन्होंने ही, यानी न्यूटन, और साथ साथ इन्होंने ग्रेविटेशनल लो भी बताया था। वास्को डी गामा ये कौन थे, तो ये थे पुर्तगाली, और इन्होंने ही समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज किए थे सबसे पहले, तो ये भी आपको याद रखना है वास्को डी गामा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है सौरमंडल खोज किसने की थी, तो उनका उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। 24 यानी कि 24वें नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, यानी कि मिश्र धातु नहीं है कह रहा है।
ऑप्शन दिया हुआ टाका, पीतल, कांसा और चांदी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट है वह है ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चांदू एक धातु है, तो यह मिश्र धातु नहीं है। टाका, पीतल और कांसा ये तीनों मिश्र धातु हैं। ये जो टाका होता है वह टीन और लेड से बना होता है। पीतल जो है वह कॉपर और जिंक का बना होता है। और ये जो कांसा होता है वह भी कॉपर और टीन का बना होता है। लेकिन ये जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से बना हुआ होने के कारण यह मिश्रित धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, चांदी, यह इसका राइट आंसर है। ये आपको याद रखना, यह साइंस क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वह है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि एक हिसाब से यह कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन दिया हुआ भीमराव अम्बेडकर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ये कितना में किया गया था, तो यह 1828 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये जो भीमराव अम्बेडकर हैं ये संविधान के निर्माता हैं, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो ये संविधान निर्माता है भीमराव अम्बेडकर। स्वामी विवेकानंद कौन है, तो स्वामी विवेकानंद ये भारत के एक युवा थे, ये बहुत बड़े योगी भी थे। और इन्होंने ही 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। शिकागो धर्म सम्मेलन, ये किसे रिलेटेड है, तो ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके नाम से, तो स्वामी विवेकानंद के नाम से। और ये जो अरविंद घोष हैं ये भी हमारे एक चिंतक थे भारत के, और इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, दार्शनिक भी थे। और साथ ही साथ में इनकी जो मृत्यु हुई थी वह पांडिचेरी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो पांडिचेरी में है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में जीडी, जो कि 2018 एग्जाम में हो गया था,